हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे माइग्रेशन ऑफिसेस की। आप कहेंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर 10 मिनट के लेक्चर से एक क्वेश्चन अगर फंस भी जाता है तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेश माइग्रेशन। देखिए, जिन्होंने वीडियो स्टार्ट किया है वो पहले एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे मुझे पता चला कि मुझे कैसी कैसी वीडियो बनानी है। अगर आपको पसंद नहीं आती तो भी आप कमेंट करिए, अगर पसंद आती है तो फिर भी आप कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसे रिलेटेड या कोई नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं फिश माइग्रेशन। चलिए देखिए, फिश माइग्रेशन होता क्यों है और ये फिश माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जब कोई फिश या उसकी पूरी स्पीसीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है किसी पर्पज़ के लिए, तो उसे कहते हैं फिश माइग्रेशन। देखिए, ये होता क्यों है, ये क्यों, इसका पर्पज़ क्या है करने का, ये माइग्रेशन क्यों होता है। पहले लिखा है यहाँ फीडिंग और एलिमेंट माइग्रेशन। ये एलिमेंटल माइग्रेशन या फिर फीडिंग क्या होता है। देखिए, जब एक स्थान पर बहुत से स्पीसीज या बहुत क्राउड हो गया वहाँ पे और एग्जॉस्ट हो गए हैं फीडिंग मटेरियल वहाँ पे, तो इनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। ओके, ये लिखा है स्पॉनिंग माइग्रेशन। ये क्या है, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है अपने ब्रीडिंग लैंड की तरफ, इसको बोलते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन। अभी बताऊँगा आगे आपको, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर लिखा है जुवेनाइल माइग्रेशन। देखिए, जब दूसरे स्थान पर जहाँ ब्रीडिंग एरिया है इनका, जब वहाँ पे जुवेनाइल्स निकल आएंगे हैच करने के बाद, तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा वहाँ से। उसी तरह बिल्कुल सेम है यहाँ पे रिक्वायर्ड माइग्रेशन, उनको अपने फीडिंग एरिया तक जाना पड़ता है जुवेनाइल्स को। उनको उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जाना, क्योंकि उनका वो इंस्टिंक्ट करेक्टर है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट माइग्रेशन। फिर सीजनल माइग्रेशन, जैसे विंटर के सीज़न में आर्कटिक रीजन में, जब वहाँ पर पता है कि अब बर्फ जमा हो जाएगी, वहाँ पर बर्फ़ जमने वाली है, तो क्या होता है, ये वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे वार्म एरिया होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है माइग्रेशन का, कितनी तरह के होते हैं माइग्रेशन। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन और डियोड्रोमस डायोड्रोमस माइग्रेशन। ये डायोड्रोमस माइग्रेशन तीन तरह के होते हैं। इसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हैं। पहले लिखा है यहाँ पे एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन और एम्पीड्रोमस माइग्रेशन। तो देखते क्या करके पोटामोड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है। देखिए, जो ये पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, ये क्या होता है, फिशेस लीव इन फ्रेश वाटर जनरली शोज अपस्ट्रीम माइग्रेशन ऑफ एडल्ट फॉर स्पॉनिंग एंड दे स्पेंड फिश रिटर्न डाउन स्ट्रीम फॉर फीडिंग एरिया। देखिए, जो ये फिशेस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपस्ट्रीम, जैसे मतलब जो बहाव, जहाँ से बहाव आ रहा है पानी का, उनके अपस्ट्रीम पे ये माइग्रेट करती हैं और वहाँ पे स्पॉनिंग करके, वहाँ मतलब कॉपुलेशन करके या फिर एग ले करके अपने डाउन स्ट्रीम फीडिंग एरिया तक वापस चली जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैट फिश, ट्रॉट एक्सेट्रा। ये हो गया पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ये कहाँ होगा, ये केवल होगा फिश फ्रेश वाटर में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है ओशियनोड्रोमस। नाम से समझ में आ रहा है कि ये ओशन में होगा। मैनी मरीन फिशेस स्पीसीज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी, विजिट स्पेसिफिक एरिया सच स्पॉनिंग एरिया, नर्सिंग एरिया, फीडिंग एरिया, विंटर एरिया। ये क्या करती हैं, ये किसी भी तरीके माइग्रेट कर सकती हैं, पर ये ओशन के अंदर ही माइग्रेशन होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हेरिंग्स, कॉड, ट्यूनास एक्सेट्रा। ओके, ये फिशेस होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डायोड्रोमस माइग्रेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, लिखा है यहाँ पे दीज आर ट्रूली माइग्रेट फिशेस। देखिए, ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस दैट माइग्रेट बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर एंड आर थ्री टाइप। तीन तरह के ये माइग्रेशन होते हैं, इसमें कौन कौन से, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि अगर छोटे से टॉपिक से एक एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है तो अच्छी बात है। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो सी वाटर है क्या होगा, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, सी वाटर टू क्या होगा, इसमें फ्रेश वाटर माइग्रेशन होगा। देखिए, सी क्या है, इसका इसका जो ओशन है, ये क्या है, ये इसका फीडिंग एरिया है और इसका जो ब्रीडिंग एरिया कौन सा है, स्पॉनिंग एरिया कौन सा है, फ्रेश वाटर। तो ये क्या करते हैं, ये ओशन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा बहुत अच्छी वीडियो सैल्मन की, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सैल्मन फिशेस। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए ये है डायोड्रोमस माइग्रेशन, इसमें है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। देखिए, इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, जो ये एनाड्रोमस था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या है, फिश विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं कहाँ पे, ये जाते हैं ओशन में, ये वापस कहता है बट रिटर्न टू ओशन फॉर स्पॉनिंग। तो ये क्या है, ये इनका करेक्टर है कैटाड्रोमस माइग्रेशन का, जो किस में मिलता है, ये ईल, जानते हैं आप ईल फिशेस, जो ईल होती हैं, ईल, ये उसका एग्जांपल है, इसको कहते हैं एंगुला, एंगुला रोस्टाटा वल्गेरिस, बहुत तरह की स्पीसीज होती है पर एंगुला जानिए आप ईल।
ओके, फिर डालते हैं एक एम्फीडोमस माइग्रेशन। देखिए ये जो माइग्रेशन होता है ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इनको स्पॉनिंग ये जाते हैं, पर ये ब्रीडिंग पर्पज से नहीं जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी एंड वाइस वर्सा। ये सी से वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर सी वाटर में जा सकते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रीडिंग के लिए ही जा रहे हैं। ये क्या एग्जाम्पल है, ये है गोबीज का। ओके चलिए ये वीडियो देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो। मैं आप देखिए ये सैल्मन का ये फिश माइग्रेशन है। देखिए हजारों लाखों की संख्या में सैल्मन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, देखिए किस तरह से इकट्ठा होकर ये इनका माइग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये माइग्रेट करती जाएंगी और जब अपने जो बहुत ही मुश्किल से ये पहुँचेंगी अपने जो इनका ब्रीडिंग एरिया होगा वहाँ पहुँचेंगी ये फ्रेश वाटर में। देखिए झरनों को पार करते हुए और बहुत ही मुश्किल से ये अपने पहुँचती हैं अपने ब्रीडिंग लैंड पे। वहाँ पे देखिए ये पहुँचते हुए, उसके बाद जब ये वहाँ पहुँच जाती है तो इनका कलर और इनका बिहेवियर सब कुछ इनका अलग। अब देखिए दोनों मेल और फीमेल दोनों डिफरेंस देख सकते हैं आप, जो फीमेल है वो थोड़ा कलर उसका लाइट है और जो मेल है उसका कलर क्या है थोड़ा डार्क है। देखिए दोनों पास आते हैं और दोनों ही क्या करेंगे, देखिए फीमेल एग ले करेगी और मेल अपना स्पर्म एग ले करेगा। अब देखिए रिलीज़ करने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद जो फीमेल होगी ये जो ये एग्स हैं इनको क्या कर देगी, इनको ढक देगी गिट्टी से और वहाँ पे जो भी पड़े हुए हैं देखिए ढकने के बाद ये वहाँ चले जाते हैं। ये सैल्मन का है फिश माइग्रेशन। और उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं ये डेड हो जाती हैं क्योंकि ये वापस पहुँच नहीं पाती, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वापस पहुँच सके अपने फीडिंग एरिया पे। ये है सैल्मन का फिश माइग्रेशन। धन्यवाद।